चाहिए, लेकिन राखी नीलामी अपने एमएलए होने की पूरी फायदा उठा रही है, अपने साथ को अपनी पूरी परिवार को लेकर फरार है। और राखी नीलाम जी का पीछा हम लोग जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक राखी नीलाम के पास गिरफ्तार नहीं हो जाते, जब तक उस गरीब लड़की के साथ न्याय नहीं होता, जब तक उस गरीब लड़की को न्याय नहीं मिलता। इन झाड़ू वालों की कारतूस, झाड़ू वालों के ऑफिस में सभी बहनों सभी बेटियों को सूचित किया जाता है। हम लोग आप लोगों को वादा करने आए हैं, इन झाड़ू वालों की ऑफिस में कभी भूल कर आप लोग ना जाए। अगर कोई भी मजबूरी काम हो जाता है कि वहाँ जाना जरूरी है तो चार पांच के ग्रुप में जाए, कोई भी काम करवाने महिलाएं चार पांच के ग्रुप में जाए। इनके झाड़ू के ऑफिस में कोई महिला अकेले ना जाए। अभी 3 महीने पहले सुल्तानपुरी का जो महिला बाल विकास का मंत्री था, जो महिलाओं का बाल विकास का मंत्री बनाया गया था, उसने गिरफ्तार किया था और वो 3 महीने से तिहार में है। आज राखी नीलाम के साथ ने मंगोलपुरी को शर्मसार कर दिया। इससे पहले कोई लीडर किसी का गिरफ्तार नहीं किया, किसी लीडर का बेटा नहीं गिरफ्तार किया। आज आपकी राखी नीलाम के बाप ने जो 60 से 65 साल के हैं और 24 साल की लड़की के साथ रेप किया है, राखी नीलाम इस्तीफा दो। राखी बिरला के बाप ने बलात्कार किया, राखी बिरला के बाप ने बलात्कार किया। राखी बिरला शर्म करो, राखी बिरला डूब मरो, राखी बिरला इस्तीफा दो, राखी बिरला इस्तीफा दो। आपकी विधायिका राखी बिरला के बाप ने एक 24 साल की लड़की